सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली फरीदाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर प्रश्नचिन्ह लगता दिख रहा है। दरअसल घटना कल रात के लगभग 2:45 बजे की है। शहर के बीचों बीच बसे पोस एरिया में सुमार सेक्टर 17 के मकान नंबर 315 में 5 हथियारबंद बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो 1 घंटे तक 100 नंबर डायल करते रहे, लेकिन कोई भी पुलिस सहायता उन्हें नहीं मिल सकी। मकान की दहलीज से ही खून के धब्बे इस घटने के चश्मदीद गवाह हैं कि कल रात यहाँ क्या कुछ हुआ। सेक्टर 17 के मकान नंबर 315 में रहने वाले जनक राज गुप्ता एक रियल इस्टेट कारोबारी हैं। आम दिनों की तरह कल रात भी गुप्ता परिवार डिनर करके सोने चला गया था। उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनके लिए काल बनकर बरसेगी। लूटपाट के इरादे से घर में दाखिल हुए बदमाशों ने घर के 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन बदमाश लूटपाट करने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि बदमाशों की लूटपाट की कोशिश वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस कदर बदमाश घात लगाकर घर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। फुटेज में बदमाश घर का ताला तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि जब वो सुबह की सैर करने के लिए निकली थी तो घर के पास पुलिस वालों को देखकर वो दंग रह गई। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद से ही इलाके में डर का माहौल है। वहीं उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा है। महिला के अनुसार घर के परिजन 1 घंटे तक 100 नंबर डायल करते रहे, लेकिन कोई भी पुलिस सहायता नहीं मिली। फिर मारते मारते उनके यहाँ पे आवाज गई, तो आवाज से फिर मेरे भैया भाभी थे उनके पीछे से हथौड़ी मारे और यहाँ पर डाल के बहुत मारा। फिर दरवाजे के पास लेके गए, अंदर को वो दरवाजे को अंदर से कर रहे थे, वो अंदर से बाहर। कितने बजे करीब सूचना मिली थी आपको? अरे मैं तो सैर करने आई थी, मैंने देखा यहाँ पे पुलिस खड़ी है, मैं तो पीछे ही रहती हूँ। मुझे तो जब पता चली यहाँ पे हो क्या रहा है। देर रात शुरू हुआ बदमाशों का तांडव लगभग 1.5 घंटे तक चलता रहा। घर के मेन दरवाजे से अंदर घुसने के बाद बदमाश घर के बाथरूम पर लगा एग्जॉस्ट हटाने लगे, तभी वो अचानक नीचे गिर पड़ा, जिसकी आवाज से घर का एक सदस्य जाग गया और उनमें से एक बदमाश ने घर के सदस्य अंकित गुप्ता के सर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के जांच अधिकारी मदन गोपाल ने बताया कि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसको आधार मानकर जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ जल्द ही संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाएगा। 395/97 450 IPC आर्मी एक्ट के तहत पर्चा दर्ज कर। दस्तक इंडिया की रिपोर्ट।